दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। देव सैनी एकादशी पर मालामाल होगी ये चार राशियां, श्री हरि बरसाएंगे विशेष कृपा और मान सम्मान में होगी बढ़ोतरी। जी हाँ मित्रों, आपको बता दें मित्रों कि 17 जुलाई बुधवार के दिन देव सैनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आने वाली 17 जुलाई को बुधवार के दिन देव सैनी का एकादशी का व्रत रखा जाएगा और देव सैनी के बाद से ही चार ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जो अपनी किस्मत को बदलने जा रही है। मालामाल धन का योग बनने जा रहा है, किस्मत को अचानक से चमकाने जा रहे हैं। तो जानेंगे हम दोस्तों इस वीडियो में कि कौन कौन सी है वो भाग्यशाली राशियां, चार ऐसी राशियां जो अपनी किस्मत को अचानक से पलटने जा रही है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अपना नाम और अपनी राशि का नाम कमेंट में जरूर बताइए और कमेंट में जयकारा लगा दीजिए श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का। मित्रों आपको बता दें कि हिंदू धर्म में सावन के महीने का खास महत्व होता है और यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन में शिव जी की आराधना करने से जातक को मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। और वहीं सावन को आने में अभी मतलब 22 जुलाई को आने वाला है और 17 जुलाई दिन बुधवार को देव सैनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। बता दें कि देव सैनी एकादशी आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और इस बार देव सैनी एकादशी 16 जुलाई को शाम 8:33 पर आरंभ होगी और 17 जुलाई को रात 9:02 पर रहेगी और उदया तिथि होने के कारण साधक 17 को ही व्रत रहेगा। जी हाँ, 16 को लगेगी लेकिन 17 को ही उदया तिथि के अनुसार 17 तारीख को एकादशी का व्रत मनाया जाएगा और देव सैनी एकादशी 17 जुलाई को ही मनाई जाएगी। इसके साथ देव चार माह के लिए विश्राम में चले जाएंगे और सभी मांगलिक कार्यों पर चार माह के लिए रोक लग जाएगी। वहीं देव सैनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। देव सैनी एकादशी इस बार कई ऐसे विशेष योग लेकर आ रही है, कई राशियों के जातक है जिनको मालामाल और धनवान बनाने जा रही है। तो मित्रों बात करेंगे हम इस वीडियो में कि कौन कौन सी है वो भाग्यशाली राशियां जो अपनी किस्मत चमकाने जा रही है। तो उन लकी राशियों में सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि आएगी वो आती है मित्रों मेष राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके भी नाम का पहला अक्षर चे चा ची चू ले ला ली लू से शुरू होता है उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों देव सैनी एकादशी के बाद से ही मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, भगवान हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद बनने जा रहा है। देव सैनी एकादशी मेष राशि वालों के लिए बेहद ही लाभकारी मानी जा रही है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जातकों के करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं, श्री हरि की कृपा से जीवन में सकारात्मकता आएगी। व्यापारियों के लिए उत्तम समय है, लाभ का समय है, व्यापार से आर्थिक रूप से तरक्की और उन्नति कर पाएंगे, व्यापार से धन बचाने में सक्षम रहेंगे, बैंक बैलेंस बनाने में सक्षम रहेंगे और जो लोग नौकरी करते हैं उनको भी कार्य स्थल पर काफी सराहना देखने को मिलेगी, वाहवाही देखने को मिलेगी, सहकर्मियों का इनके काफी सहयोग मिलेगा, बॉस से आपको तारीफ सुनने को भी मिल सकती है, यात्राओं का योग बनेगा और यात्राओं से आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर विदेश जाने की सोच रहे हैं तो समय आपके लिए काफी अनुकूल और उचित रहने वाला है। अब तक जो आपके वीजा वगैरह में जो भी बाधाएं बन रही थी वो अब दूर होने जा रही है और एकादशी के बाद से ही आपकी में तरक्की उन्नति देखने को मिलेगी, आपके कार्य में आ रही सभी बाधाएं अब दूर होने जा रही है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के विशेष आशीर्वाद से आपके घर में तरक्की उन्नति देखने को मिलेगी, परिवार में खुशहाली का माहौल रहने वाला है, स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और वैवाहिक जीवन आपका खुशियों भरा रहेगा। पति पत्नी में अब तक जो अनबन और तूतू मैच चल रही थी वो अब खत्म होने वाली है, दोनों में प्रेम और विश्वास देखने को मिलेगा। या फिर कोई लव कपल से तो उनके लिए भी काफी अच्छा समय है, खुशखबरी का है, अब तक जो दूरियां बन रही थी वो अब खत्म होने वाली है, एक दूसरे के नजदीक आएंगे और रोमांस बढ़ेगा जीवन में और दोनों के बीच में एक अच्छा तालमेल बैठने वाला है, अच्छा समय बिता पाएंगे, लंबे समय के बाद एक दूसरे के काफी करीब आ पाएंगे और एक दूसरे में प्रेम और विश्वास फिर से हासिल कर पाएंगे और खुशनुमा जिंदगी बिता पाएंगे। चलिए मित्रों बात करते हैं देव सैनी एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि निकल कर आ रही है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मित्रों आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन वो सब कुछ हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं।
यानी कि जीवन जो है उनका पूरा का पूरा गरीबी और कठिनाई और मेहनत में ही बीत जाता है। मित्रों, ये सभी ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके जीवन की संपूर्ण महाजन्म कुंडली। जी हाँ मित्रों, घर बैठे आपके लिए कुंडली नहीं महाजन्म कुंडली लेकर आए हैं, जिसमें आपके जीवन का संपूर्ण लेखा जोखा फलादेश आपको लिखित में दिया जाएगा और आपको क्या दशा दोष चल रहा है, आने वाला समय कैसा है, वर्तमान समय कैसा क्या चल रहा है, करियर वगैरह हर एक चीज के बारे में आपको रिपोर्ट मिलने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि आपके भी रिश्तेदार रिश्ता देखने आते हैं लेकिन देखकर चले जाते हैं, हाँ ना में जवाब नहीं देते हैं, शादी में बार बार कठिनाई दिक्कत आ रही है, देरी हो रही है, बाधा बन रही है, कोई ना कोई अड़चन आ रही है, या आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन हर बार एक दो नंबर से रह जाते हैं, विफल हो जाते हैं, या आप प्राइवेट नौकरी क्यों ना कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू देकर कंपनियों से वापस आ रहे हो लेकिन आपका ना तो बॉस सुन रहा है ना कंपनियों से कोई जवाब आ रहा है, कॉल आ रहा है, आपका इंटरव्यू केवल खाली ही जा रहा है, या आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा व्यापार शुरू करें जो आपके लिए लाभकारी रहे और आपके लिए तरक्की और उन्नति की राह कंप्लीट करें। या मित्रों आप व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन व्यापार में आपको तरक्की उन्नति नहीं मिल रही, व्यापार आपका खुद का है लेकिन पहले जैसी ग्राहकी देखने को नहीं मिल रही है, भीड़ देखने को नहीं मिल रही है, पूरा दिन ऐसे ही बैठे बैठे बीत जा रहा है, पेट भर रहा है लेकिन गल्ला नहीं भर पा रहा है, तरक्की उन्नति नहीं मिल रही है, घर में ग्रह क्लेश बना हुआ है, कर्ज हो चुका है और कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं और लोन ले लेकर फिर से कर्ज में फंसते ही जा रहे हैं, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, दशा खराब है, किस्मत खराब चल रही है, काम नहीं बनता है, जिस काम में हाथ डालो कोई ना कोई अड़चन बाधा आ जाती है या कोई भी काम आपके नाम लेते ही वो खराब हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि आपके ही नाम में और आपके ही काम में कोई ना कोई खराबी या किस्मत ही खराब चल रही है, ग्रह दोष ग्रह क्लेश बना हुआ है, पति पत्नी में अनबन चलती है, प्रेमिका में लव रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है या कोई तीसरा बीच में आ चुका है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो दोस्तों अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से कंप्लीट जानकारी ले सकेंगे और अपनी जो जीवन में समस्याएं चल रही है उससे आप निदान पाएंगे। चलिए मित्रों बात करते हैं देवसैनी एकादशी के बाद से अगली जो भाग्यशाली राशि निकल कर आएगी वो आती है मित्रों तुला राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके भी नाम का पहला अक्षर ते ता ती तू रे रा री रू से शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है। मित्रों तुला राशि के जातकों के लिए देवसैनी एकादशी के बाद से ही एकदम हरा भरा होने जा रहा है, एकदम खुशमिजाज जिंदगी होने वाली है। अब तक जो आपके कार्य में रुकावट या बाधाएं बन रही थी वो अब खत्म होने जा रही है, सरकारी कामकाज हो या कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो अब वो आपका खत्म होने जा रहा है, कागज पांडे का या पेपर का कोई भी वर्क हो आपका कोर्ट कचहरी का या प्रशासनिक क्षेत्र से कोई भी जुड़ा आपका चल रहा था तो वो अब खत्म होने जा रहा है, समय आपके लिए उचित और अनुकूल बन रहा है, व्यापार कर रहे हो या नौकरी दोनों तरीके से आपको तरक्की उन्नति देखने को मिलेगी, आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं से लाभ देखने को मिल सकता है, जीवन में आ रही सभी बाधाएं अब खत्म होगी, पारिवारिक रूप से खुशनुमा माहौल बनेगा, घर में चहल पहल बढ़ेगी और छोटा मोटा कोई भी मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में हो सकता है जिससे आपको थोड़ा बहुत आर्थिक रूप से खर्च देखने को मिलेगा, रिश्ते में अब तक आ रही खटास दूर होगी, परिवार वालों के साथ फिर से मिलने का मौका मिलेगा, समाज के काम में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने जा रहे हो और जिससे आपके सामाजिक तौर पर मान सम्मान बढ़ने वाला है, सभी आपकी तारीफें करते नहीं थकने वाले हैं। वही मित्रों स्वास्थ्य में आपके काफी अच्छा सुधार रहेगा, व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में आपको अलग अलग तरीके से इनकम के स्रोत देखने को मिलेंगे, आप कमाने के नए नए साधन जुटा पाएंगे, आपको तरक्की उन्नति देखने को मिलेगी। चलिए मित्रों अगली जो भाग्यशाली राशि निकल कर आ रही है वो आती है मित्रों कुंभ राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके भी नाम का पहला अक्षर गे गा गी गु से सा सी सु से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों कुंभ राशि के जातकों के लिए देव उठनी एकादशी काफी शुभ और फलदायक होने वाली है, आपको कार्य में तरक्की उन्नति देखने को मिलेगी, आपके अटके हुए काम बनने जा रहे हैं और अब तक जो आपका जो धन का जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था आर्थिक रूप से वो अब स्थिर होने जा रहा है, आपके धन कमाने की योजनाएं बढ़ेगी, आप अलग अलग तरीके से धन कमा पाएंगे, आय के स्रोत बनेंगे, नए नए तरीके खोज पाएंगे धन कमाने के लिए और मांगलिक कार्य बनेगा और उस मांगलिक कार्य में कुछ ना कुछ आपको
खर्च देखने को भी मिल सकता है। मित्रों, कुंभ राशि के जातकों के लिए देव उठनी एकादशी का जो पर्व है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। 29 जून को हुए शनि वक्री के चलते आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा था, एक पॉजिटिव अपडेट आपके लिए बनकर आया था कुंभ राशि के जातकों के लिए। लेकिन देव शनि एकादशी के बाद से ही वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी वाला कार्य होने वाला है, आपको तरक्की उन्नति काफी अच्छी और बेहतर देखने को मिल सकती है। तो चलिए मित्रों, देव उठनी एकादशी के बाद से ही होने वाले अपडेट के वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मुलाकात करेंगे एक और नए और ताजा वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे मित्रों।